बेयरफुट कॉलेज का जो मॉडल है प्रॉबेबली सबको पता होगा, रवीन जी अगर मैं गलत बोलूँ तो ऐड कर दीजिएगा, तो ये लोग विमेन बेयरफुट इंजीनियर्स को ट्रेन करते हैं, ऐसे विलेजेस को सिलेक्ट करते हैं जो या तो टोटली अनइलेक्ट्रिफाइड है या डिसफंक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन है, उनको ट्रेन करते हैं, वहाँ से कम्युनिटी के एक ग्राउंड पार्टनर सिलेक्ट करते हैं, कम्युनिटी से इंटरेक्ट करते हैं, वुमेन एक कोई भी वुमेन सेलेक्ट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है एंड व्हेन शी गोस बैक शी इलेक्ट्रीफाइज द 50 or 100 हाउस होल्ड्स दैट इज़ देयर इन द विलेज, और वहाँ पे फिर ये रिन्यूएबल एनर्जी वर्कशॉप सेट करते हैं। दिस इज एक्चुअली हब फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सोलर इंस्टॉलेशंस, 40 वाट सिस्टम होता है इसका, LED लैंप्स देते हैं इसमें। बेसिकली इनका लोकल पार्टनर कम्युनिटी से इंटरेक्शन में इन्हें सपोर्ट करता है, और जो सिलेक्टेड वुमेन होती है उनको तिलोनिया सेंटर बेयरफुट कॉलेज के सेंटर तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं एंड देन द एंटायर ट्रेनिंग इज डन बाय बेयरफुट। उसका एक्सपेंसेस सब MNRE फंड करते हैं एंड इंस्टॉलेशंस के लिए फंड जनरेट करती है बेयरफुट कॉलेज। ये सर्विसेज, ये जो इनका प्रोग्राम है, दिस इज एक्सटेंडेड टू कंट्रीज आउटसाइड इंडिया एज वेल, विच इज सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो नाउ दिस इज द वन इनिशिएटिव दैट दे आर डूइंग। अनदर इज सोलर वाटर हीटर एंड सोलर पैराबोलिक कुकर। यस, आई हैड बीन देयर। दिस इज ऑल विमेन ओन्ड मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम्स, जो सोलर वाटर हीटर और पैराबोलिक कुकर है, एंड पैराबोलिक कुकर आई थिंक इज सर्विंग द मिड डे मील स्कीम ऑल्सो इन राजस्थान। एंड नाउ दे आर एंटरिंग इन टू दिस लोकल मिनी ग्रिड सिस्टम, पार्टनरिंग विथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, विच इज अ ड्रीम येट टू कम ट्रू। सो बेस्ड ऑन देयर एक्सपेरिमेंट्स एंड देयर एक्सपीरियंस ऑन द ग्राउंड, द चैलेंज दैट दे आर फेसिंग, the new one is the new WTO declaration, policies that are unfriendly to transport batteries and panels, price benchmarking of ministry, standardization certificate from MNRE, efficiency of PVCs, sustainability around copper wire market, and the MNRE shrinking the cycle of training. They say it should be now 3 months, whereas the training module is 6 months. So the funding system is changing, for which they need to look for additional funding now. So in very few state agencies have supported them, but lot of CSR is coming up. Jerida was one who supported. CSR from NTPC is coming up for this. So this was what barefoot experience was. With respect to basics, they have 2-3 models. Their focus was Bihar and they started working on it 3-4 years back, और इन्होंने अलग स्ट्रेटा के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स ट्राई किया था, जिसमें सबसे बॉटम ऑफ द सेगमेंट द महादलित्स एक्सेट्रा, हु अकॉर्डिंग टू देम सर्वाइव ओनली ऑन गवर्नमेंट सब्सिडीज, मोस्टली विथ थ्रू द गवर्नमेंट स्कीम्स, उनके लिए ट्राई किया गया था। And in that model also, when they supported them with energy sources, problem remained: repair, maintenance, wear and tear problems, etc. They progressed and moved on to some 10 kilowatt grid. They did collaborate with Greenpeace also in the Dharnai one, the operationalization of it, and then moved further with Rockefeller Foundation doing some another grid of 10 kilowatt village level entrepreneur. उन्होंने डेवलप किया था, उनके साथ काम किया, पैनल और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन विलेज एनर्जी कमेटी के पास। सो चैलेंजेस विद देम वाज अगेन कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 12 to 12.5 पर यूनिट एंड अनअफोर्डेबल और डिफिकल्ट टू बी अफोर्डेड बाय द पीपल, परसेप्शन दैट ग्रिड क्या ओरिजिनल बिजली ग्रिड से आती है, वो वाला परसेप्शन एक है, एंड देन जो कस्टमाइज्ड यूनिट्स हैं उसके लिए सब्सिडीज हैं, बट माइक्रोग्रिड के लिए सब्सिडीज नहीं होना एक चैलेंज है। एनीबॉडी फ्रॉम द ग्रुप, प्रिया वाज़ देयर?